साथियों, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे देश में छोटे शहरों में आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है। आने वाले समय में अनेक नए अस्पताल बनने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। एक अनुमान के अनुसार आने वाले 5-7 वर्षों में सिर्फ आयुष्मान भारत योजना से पैदा हुई डिमांड के कारण ही करीब 11 लाख नए रोजगार निर्मित होंगे। ये कितना बड़ा आंकड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ रेलवे ही इससे ज्यादा रोजगार का निर्माण करता है। भाई और बहनों, रोजगार की इन संभावनाओं के लिए हमारे युवा साथियों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि मेडिकल एजुकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया जा रहा है और पॉलिसी में निरंतर सुधार किया जा रहा है। एक तरफ देश में मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। देश भर में 75 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला हो या देश में नए नेशनल मेडिकल कमीशन का निर्माण, इससे मेडिकल सेक्टर को निश्चित लाभ होने वाला है। नेशनल मेडिकल कमीशन से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिलेगी, उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा और करप्शन की शिकायतें दूर होगी।